हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग बनाने का एक यही पर्पस है कि कल मैं जा रही हूँ कोरोना वैक्सीन का मतलब वैक्सीन लगवाने लगवाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे एज का भी आ चुका है वैक्सीन, तो मैं लगवाऊंगी। कल वो डेट है कि मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और मेरा इंजेक्शन से काफ़ी मतलब मुझे इंजेक्शन देख के काफ़ी ज़्यादा मेरा फटता है। तो क्या होने वाला है मेरा कल, एंड इधर से शोर आ रहा होगा आपको। एंड या आज मैंने दो चोटी किया हुआ है, एंड इसी तरीके से आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तो कल लगेगा, आज ही वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, कल तक चलेगा। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी हरियाली हो चुकी है, क्योंकि बारिश हो रही थी, काफ़ी लगातार बारिश हो रही थी। इस टाइम नहीं हो रही है, लेकिन पूरे खेतों में एकदम मस्त हरियाली हो चुकी है। वो कुछ बोया हुआ नहीं है, उसमें घास उग चुका है, इसलिए वो हरा दिख रहा है। एंड या और मौसम भी काफ़ी मस्त हो चुका है। तो मैं सोची कि चलो छत पे वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन इधर शोर आ रहा है, मेरे कैमरे में जा रहा होगा मतलब वॉइस में। फिर भी हो सकता है कि मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। एंड इसमें का सारा मैंगो टूट चुका है, आपको एक वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे इधर एक ऊपर है। मैंने अपने भी मतलब सारा मेरे भी पेड़ का आम टूट चुका है, सारा नहीं, थोड़ा सा अचार बनाने के लिए तोड़ा हुआ था, लेकिन अचार का भी पोपट हो चुका है। वो भी क्या बताऊँ, छोड़ो जाने दो। तो ज़रूर लगवा लीजिएगा गाइज, क्योंकि ज़रूरी है ये लगवाना, क्योंकि मेरे घर पे भी सारे लोगों ने लगवा चुका है और मेरी बारी है। क्योंकि मेरा एज उतना नहीं था कि मतलब पहले आया था ना 45, जिसका एज है उसको लग रहा था, तो मेरा तो उतना था नहीं, इसलिए अब मेरे को लगने वाला है। मेरे भाई को भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा भाई मेरे से छोटा है, एंड उस जब वो भी आ जाएगा उसका वैक्सीन तो वो भी लगवा लेगा। अब मेरे एज का भी आ गया है तो मैं भी लगवा लूँगी कोरोना वैक्सीन, या क्या कोरोना वैक्सीन कर रही हूँ, वैक्सीन लगवा लूँगी। एंड याओ बे चुटिया, देखो चुटिया चुटिया चुटिया। एंड ये देखो गाइस क्या हो गया मेरे फेस पे, नोटिस कर रहे हो आप, ब्लैक आम खाने के चक्कर में हो गया, आम से हो गया मेरे को, या उसमें से वो रस निकलता है मतलब जूस वाइट वाला निकलता है ना, उससे ये हो गया है दाग। तो आप भी आम खाओ तो संभल के खाओ कि फेस पे दाग, क्योंकि आम का जो ऊपर का टिप होता है उसको निकालोगे तो उसमें से वाइट वाइट सा निकलता है लिक्विड, उसी से ये हो गया है। मेरा फेस जल चुका है और काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा था वहाँ पे जहाँ पे मेरे को ये लगा था, एंड अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फेस पूरा ख़राब हो चुका है। और इधर सा मतलब फैमिली में शादी भी होने पड़ गई है, कुछ दिन में आपको फिर से शादी की ब्लॉग मिलेगी देखने के लिए, और शादी होने वाली है तो अब मैं ऐसा अपना फेस लेके जाऊँगी, क्या करूं, भगवान करे ठीक हो जाए जल्दी से। ओके, तो आपको शादी की वीडियोस फिर से देखने मतलब ब्लॉग्स देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे डांस देखने को मिलेंगे, फन देखने को मिलेगा, एंड या तो काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, हो सकता है हेयर स्टाइल मेकअप एंड वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने अभी अपना YouTube चैनल न्यू ही स्टार्ट किया हुआ है, मेरे को ब्लॉगिंग करने नहीं आता है, बट फिर भी कोशिश ट्राई कर रही हूँ अपने तरफ से। अगर पसंद आए तो बच्चे का दिल रख लेना, कमेंट में बता मतलब कमेंट करना, अच्छे या बुरे जैसे भी आपका मन करे ज़रूर कर देना। मना तो नहीं कर सकती कि बुरा कमेंट मत करो, अगर आपको मतलब जैसा भी लगे मेरा वीडियोस देखने पे तो आप वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना मेरे कमेंट में, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो भी वो भी कमेंट कर देना। ओके, तो ज़्यादा हो गई है अब बकबक, अब आधी की बकबक कल करेंगे, और हो सकता है कि वैक्सीन इंजेक्शन लगाते हुए कभी मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी, हो सकता है। तो वैसे
हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने फाइनली वैक्सीन लगवा लिया है एंड मैं जितना बोल रही थी कि मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लग रहा है, सच्ची मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बट बिल्कुल भी जरा सा भी मेरे को दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरे को दर्द नहीं हुआ। मतलब जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर इतने मतलब कुछ लोग मेरे से बहुत बड़े बड़े थे और वो जाकर इंजेक्शन लगवा रहे थे, इतना तेज़ चिल्ला रहे थे कि मेरा तो सुन के बस हालत ख़राब हो रहा था कि मेरा जब आएगा तो मैं क्या करूँगी। लेकिन जब मैं गई वैक्सीन लगवाने, तो जब वहाँ पे मेरे को इंजेक्शन लगा तो बिल्कुल ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ और झूठे ही सब चिल्ला रहे थे और मैं भी डर गई कि कितना तेज़ दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तो फाइनली मेरे को इंजेक्शन मतलब मैंने वैक्सीन लगवा लिया, दीदी को भी लग गया, मम्मी को भी लग गया, आज फाइनली पापा भी लगवा कर आ गए। बस मेरा भाई बचा हुआ है क्योंकि उसका भी एज इतना नहीं हुआ है जितने का मतलब जितने एज का वैक्सीन आ चुका है उसका उतना एज नहीं है। अब उसके एज का भी आ जाएगा तो वो भी अपना लगवा लेगा वैक्सीन। एंड आप भी ज़रूर वैक्सीन लगवा लीजिएगा गाइज, आप सेफ़ रहो, आप भी वैक्सीन लगवा लो, डरने की ज़्यादा बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको लगवाने से, बस थोड़ा मतलब मैं मतलब उसको लगवाने से बस हल्का सा मतलब वो हल्का फुल्का सा तबीयत ख़राब हुआ था, मतलब थोड़ा सा मैंने कल लगवाया था और मेरा रात में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुआ था, सर दर्द थोड़ा हो रहा था और बुखार भी आया था, मतलब फीवर भी था एंड ज़्यादा नहीं, बस मैं फिर सुबह दवा खाया घर पे ही, जो दवा रहता है मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी दवा लेने, घर पे ही जो था सर दर्द और फीवर की दवा वही मैंने खाया और उससे ही मेरा तबीयत ठीक हो गया। एंड आप भी वैक्सीन अगर लगवाए हो, अगर आपका भी मतलब थोड़ा बीमार हो तो आप डरो मत कि आपने वैक्सीन लगवाया है उससे कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होगा वैक्सीन लगवाने से, फिर वो ठीक हो जाएगा नॉर्मली, तो आप मत डरना। एंड एक चीज़ के लिए सॉरी कि मैंने कल मतलब मैं कल वीडियो नहीं बना पाई वैक्सीन लगवाने टाइम, क्योंकि ये जिससे मैं शूट कर रही हूँ ये मेरे मम्मी का फ़ोन है तो मैं फ़ोन नहीं ले जा पा रही, मतलब नहीं ले जा पाई क्योंकि मम्मी का फ़ोन है तो घर पे एक फ़ोन रहना ज़रूरी है, तो मैं फ़ोन नहीं लेकर गई थी इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पाई। लेकिन आपको पिक्चर ज़रूर मिल जाएंगी, मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी तो वो फ़ोटो मैं लगा दूँगी, आप देख सकते हो। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी तो क्योंकि फ़ोन एक ही है यार, समझो आप, फिर और मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी और घर पे आने के बाद भी मैं ये इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं सुबह गई थी और मेरे को आए मतलब मैं 2 बजे के टाइम फिर आई थी, इतना तेज़ धूप था कि पूरा रास्ते भर इतना तेज़ धूप था कि पूरा सर दर्द होने लगा उसी धूप से, तो मैं आकर सो गई थी एंड फिर उठी तो घर का काम था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, रात हो गया था, तो इसलिए मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि अब मेरे को वैक्सीन लग चुका है, आप भी ज़रूर लगवा लीजिएगा। अगर आपको इस ब्लॉग में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस इतना ही था कि अगर आपको भी वैक्सीन लगवाना है, मतलब आप लगवाया है या फिर आपका तबीयत ख़राब हो गया है वैक्सीन लगवाने से, तो आप मत डरिएगा, अगर नहीं लगवाया है तो जाकर लगवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। एंड इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। एंड आपको कल से एक स्पेशल वीडियो बनने वाला है क्योंकि इधर मेरे फैमिली में मतलब हाँ फैमिली में शादी है और 2 शादियाँ हैं, तो काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं हम लोग और आप भी कर सकते हो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी ना आप देख पाओगे वीडियोज़ वो वाली। एंड कल से भी वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मतलब सारी रस्में स्टार्ट होंगी, कल माड़ो छवाएगा क्योंकि गांव मतलब गांव में क्या सभी जगह माड़ो लगता होगा ना, वो बांस का जो लगता है, बांस गाड़ा जाता है, तो वो वाली रस्म होगी कल, कल माड़ो छवाएगा। एंड पहला वाला लड़की का शादी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने को मिलेगा एंड मैं भी इंजॉय करूँगी, साथ साथ आप भी इंजॉय करोगे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है मतलब वो से वीडियो भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तभी आप वो वीडियो देख पाओगे क्योंकि तभी नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा तभी मैं वो वीडियो डालूँगी, तो आपके पास जाएगा नोटिफिकेशन कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। एंड ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही, बाय।
Oh,